अर्चना जी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? एक मिनट, एक मिनट। ये है कपूर शर्मा। ए, ए, शर्मा जी अपना जरा कपड़ा निकालिए। दिमाग खराब हो गया क्या बोल रही है? ज्यादा फैंटेसी आने का जरूरत नहीं है, घर में जो धोने का कपड़ा है वो निकालिए। देख रहे हैं अर्चना जी ये क्या आदमी, जरा देख, जरा सा खूबसूरत लड़की देखा नहीं। कौन सी खूबसूरत लड़की? कौन सा खूबसूरत लड़की? किधर है लड़की? कौन खूबसूरत? हम है खूबसूरत लड़की, गुड़िया लॉन्ड्री वाली। ये मुंह ना तेरा दो हाथों से छुपने वाला नहीं है, दो मुंह और दोनों पैर भी ऊपर ले। पता नहीं कौन से तालाब में कपड़े धोती है अर्चना जी, उस दिन मेरी पैंट में से मेंढक निकला। अपना पैंट में से निकला या? हाँ? मैं तो गुप्ता के पैंट में डाली थी। निश्चित में गुप्ता पैसा देने के टाइम बहुत टर्टर करता है। वो टर्टर करता तो उसके मेंढक डाल दिया। अगर कोई अगर मगर करेगा तो मगरमच्छ डाल दोगी। आप इसे बतियाना बंद कीजिए, बीवी को बुलाइए, कपड़ा दीजिए। कौन सी बीवी, किसके बीवी है? I'm bachelor, double XL bachelor. इतना हस्ती मत, उस दिन भी इसका गुर्दा निकल के सलवार में गिर गया था। बैचलर यू में और क्या हुआ मुझे? लोग अपने बीवी का पट्टी भूलते हैं, सालगिरह भूलते हैं, पूरा का पूरा बीवी भूल गया ये। गुड़िया अपना सिर मत पीट, किसी दिन ना डंडा मार इनके सिर पे ताकि याद आ जाए कि मैं ही इनकी बीवी हूँ। याद आ जाए? तू बड़ी कटरीना कैफ है, याद आ जाएगी मेरे को। दूसरी की बीवी याद है, खुद की बीवी को भुला बैठे हैं ये। शर्मा जी हमारी शादी हुई थी 2 साल पहले, लॉकडाउन में जो भी हुआ कैंसिल, वो मैं नहीं मानता। अरे बंद कर अपना जनरेटर और ये ले कपड़े धो के ला। हाँ मिला। अच्छा सुन, ये दाग निकल जाएगा ना? ए निकल जाएगा, ये 50 रुपया एक्स्ट्रा लेगी। 50? इतनी छोटी से दाग का 50 रुपया? ये तो कुछ भी नहीं है, आपको शायद पता नहीं है, हम लिपस्टिक का दाग का 500 रुपया लेती हूँ। 500 रुपए? इतनी महंगी धुलाई? नहीं नहीं, धुलाई का तो 50 रुपया ही है, 450 रुपया वो राज छिपाने के लिए। ये वैसे भी था मर्द लोगों पे लागू होता है, आपके लिए नहीं है। एक नंबर की झूठी है अर्चना जी ये गुड़िया। हाँ, खुद लिपस्टिक लगा के लोगों को कपड़े की चुमिया लेती है। हाँ, मैंने खुद देखा, इसने लिपस्टिक लगा के गुप्ता की बनियान चूम रही थी। नहीं, गुप्ता की था बनियान के अंदर। ओहो, कहाँ बिचारी के पीछे पड़ गए? पीछे तो तुम पड़ी हो मेरे। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम जाओ। हाँ, ये फैमिली मैटर है, पति पत्नी के बीच में नोकझोंक चलती रहती, तुम जाओ। नोकझोंक? पर यहाँ पे तो सिर्फ आपके ऊपर जोक जोक हो रहा है। शर्मा जी आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं आपके पीछे पड़ी हूँ? देखिए बहन जी, आपको कपड़े राशन दूध जो चाहिए ले लो, निकल जाओ मेरे घर से प्लीज। 6 महीने से ये लोग पड़े हुए मेरे घर पे। यार एक तो जब से याददाश्त ही ना चिड़चिड़े से हो गए हैं ये। चिड़चिड़ा नहीं, मैं जॉली हो गया हूँ, पहले मैं चिड़चिड़ा था, वो पोर्शन मेरे को याद है। अरे आप नाराज क्यों होते हो? अच्छा सुनिए ना शर्मा जी, अंदर टीवी पे ना करण अर्जुन चल रही थी, चलिए ना देखते हैं, क्या पता काजल को देख के मेरी याद आ जाए। काजल को देख के तेरी याद आएगी। वाह। अच्छा एक सेकंड, आप नाराज मत होइए, ये देखिए मैंने आपके लिए खास कुछ बनाया है, शाही टिंडे। गरीब सोच, टिंडे भी इसको शाही लगते हैं, पता नहीं ऐसी ऐसी आइटमें बना के खिला रही मेरे को। मेरी याददाश्त तो गई, मुझे लगता है मेरी जुबान की याददाश्त भी चली जाएगी। अरे अर्चना जी मेरी मम्मी कहती है कि पति के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होकर जाता true, है। True, yes. मम्मी को पति के पेट का रास्ता पता है, स्टेशन का रास्ता नहीं पता। 6 महीने हो गए पड़े हुए इधर, निकालो उनको यहाँ से। अरे पड़े हुए, पड़े हुए का क्या मतलब होता है? पापा कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आप ठीक हो जाओ। पापा तेरा बड़ा अमेरिका से MBBS करके आया है, नकली दवाइयां बेच बेच के लोगों को ठग रहा है बुड्ढा। ये देखो कचरे वाली गाड़ी में, ये इसका बाप, खानदानी दवा खाना। खबरदार आपने मेरे पापा के काम के बारे में कुछ बोला तो। अर्चना जी वो खानदानी वैद हैं। बेटा तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है? मेरे दोस्त की जिंदगी में चल रही है। हाँ। उसके सास ससुर आए हुए 1 साल से उसके घर में रह रहे हैं। हाँ। कम बखत ढीठ निकल नहीं रहे हैं वो, पता नहीं कैसे
कैसे लोग हैं अपनी बेटी के इधर साल साल भर रह रहे हैं। मैं तो एक दो महीने में उफता गया हूँ। 6 महीने हो गए आप लोगों यहाँ पे रहते हुए। अच्छा 6 महीने हो भी गए, मुझे पता भी नहीं चला। ठीक कहते हैं लोग, वक्त किसी के लिए नहीं रोकता भैया। एक बात बताइए, आपको शर्म वगैरह जो होती है वो नहीं आती? 40 साल तक आती थी, अब नहीं आती दामाद जी। एक तो दामाद जी मेरे को बोलना बंद करो, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मेरी ये बीवी नहीं है। ये आदमी मुझे मेरी बीवी याद दिलाने लगा हुआ है, खुद अपनी बीवी को 2 मिनट के लिए नहीं भूलता। 8 बच्चे पैदा किए इस आदमी ने। अरे इसकी मम्मी की अदाएं इतनी अच्छी हैं कि अच्छे अच्छों को फंसा लेती है। oh my God. मैं तो फिर भी बुरा हूँ। कहाँ छुपे हैं आप? वही तो बात, ढूंढो ना कहाँ छुपा हूँ। आप तो दिखे नहीं रहे हैं। हाँ तो ढूंढो कैसे छुप लेते हैं। ए जी आपके पीछे कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? तुम पूछ रहे थे ना 8-8 बच्चे कैसे हुए? ऐसे हुए, हमेशा ढूंढ लेती है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? So cute. 70 की आप दोनों मिला के 140 साल के हो गए। हरकते देखो इनकी बच्चों वाली। बच्चों वाली हरकतें तो करेंगे ही ना, क्योंकि तुम कोई हरकत नहीं करते हो। कभी हरकत करो तब जाके हम नातियों नातिन का मुंह देख पाएंगे। आप तो नाती नातिन का मुंह देख लोगे। नाती नातिन किसका मुंह देख, ये बकरी का? वो इनका मुंह तब देखेंगे ना जब तुम मेरा मुंह देखोगी। तुम्हारे मुंह में क्या है ऐसा? मम्मी देखो ना। हाँ तो कब से देखे तो रहे हैं, क्या करें। तुमको सही टिंडा दिया था खिलाने के लिए, खा के माना कि नहीं? नहीं माना। तो एक काम करो, आज रात को ना दारू पिलाओ, मान जाएगा। अरे पिला तो नहीं माना। का दारू पी के भी नहीं माना? फिर तो कभी नहीं मानेगा। एक मिनट मैं याद दिलाता हूँ, कोई बीच में नहीं आएगा। ये कितना है? 5। ये कितना है? 10। ये कौन है? पता नहीं। अरे यार बेटी तुम्हारी शक्ल ऐसी होती ना तो पहचान जाता ही। तुम चुप करो जी। ए दामाद जी हम आपको याद दिलाते हैं, आपको याद है 2 साल पहले आपको याद है आप जैसे गेट पे पहुंचे थे, 11 साली आपकी आरती उतारी थी। 11 साली एक असली थी, बाकी 10 लड़कों को साड़ियां पहनाई थी तुम लोगों ने शगुन लेने के चक्कर में। उसके बाद आपने मेरी मांग भरी थी शर्मा। वो मुझे याद नहीं है। नो। हे भगवान, क्वार्टर फाइनल याद है, सेमी फाइनल याद है, फिनाले याद ही नहीं आ रहा। पापा, आपकी जड़ी बूटी ना बिल्कुल काम नहीं करी, आप प्लीज अपनी जड़ी बूटी को बदलो, कुछ करो। जड़ी बूटी रहने दो, बेटी बदल के देख लो, हो सकता है मुझे याद आ जाए। ये इनकी लेटेस्ट गलती है। मैं एक बात बताओ, ये 8-8 बच्चे कम थे, ये जो 8 कर दिया आपने, क्या जरूरत थी इसकी? देखो बेटे 8-8 बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे थे इसलिए इसको लेके आ गए। बड़ा महंगा पड़ा ये। चॉकलेट वॉकलेट देने के लिए हर किसी को भेजना पड़ा ना, वो समझते हो ना परंपरा। ए दामाद जी कभी हम लोग कभी बाहर भेजिए चॉकलेट वॉकलेट के लिए, तभी तो कुछ करेंगे तो नाचपोता होगा ना। तुम लोग चॉकलेट लेने भी गए ना, तुम लोग अपना ही कुछ करके आओगे मेरे को पता है। तुम लोगों को मैं भेजता हूँ पहाड़ों पे, वहां पर धक्का दूंगा तुम्हें मैं। मुंह से बड़ी मुछे रखी इस आदमी ने, देखो। ये देखो गलत दवाइयां खिला खिला के, देखो इतनी मुछे होती कभी इतने से बच्चे की? अरे वो पापा ने इसकी ग्रोथ के लिए जड़ी बूटी बनाई थी, अब सारी ग्रोथ मुंह पे ही होगी। अब धंधे में 19-20 हो ही जाता है। ये 19-20 है? ये आपने 19-150 कर दिया है। ये 10 साल का बच्चा 20 का लग रहा है, देखो आप। ये देख श्रिंक हुआ राहुल रहा है, ये देख। ये कौन सा बच्चा लगता है? अरे जीजा क्या बताऊं, स्कूल बस में जाता हूँ ना तो बच्चा कम और कंडक्टर ज्यादा लगता हूँ। मेरे स्कूल में सारे बच्चों के नाखून चेक होते हैं और मेरे से पूछते बीड़ी तो नहीं पीते हो? चुप कर बिल्कुल।
सॉरी बोल, पाँव पकड़ो, 5,000 रुपए ले ले। अबे चला, ये भीख मांगने का नया तरीका निकाला तुम लोगों ने। अरे बेटा, शगुन है बेटा। जूता चुराई के पैसे बचाने के लिए तो वो चप्पल पहन के आए थे, वो देंगे पैसे वो। पिछली बार जेब में घुस के देखा था, 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया। अच्छा तू था मेरी जेब में, इधर चुप रहा था। ओए, सुन इधर, अपने जीजा जी से ऐसे बात करते हैं? अरे दीदी तुम ही मानती हो, वो नहीं मानते, और मानते हैं तो 2-5 हजार रुपए दो। मैं दो चपेड़ मार तेरे मुंह पे। कैसी फैमिली, एक दूसरे से शक्ल नहीं मिलती इनकी। चुप रहो बेटा, मार इसके मुंह में 5,000 रुपए और इसका मुंह बंद कर दे, मार ले, ले, ले। मैं क्यों मारूं 400 रुपए के मुंह के ऊपर 5,000? मैंने ना 5-5 के सिक्कों की एक लठ बनाई है। अच्छा, वो मैं लेके आता हूँ तुम्हारी। मैं देख लो, मेरे घर में गंद पड़ा हुआ है। घर में क्या, मोहल्ले में। एक तो यहाँ पे बिसुरा साथ रहता है, रात को उठ उठ के रियाज करना शुरू कर देता है। वो रियाज करता है, इनकी नींद खुल जाती है, फिर हो जाते हैं ये शुरू। तो इतना परेशान हो गया, मेरे समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ यार, हद हो गई है। Excuse me, उस्ताद जी इसी मोहल्ले में रहते हैं? टर्न टर्न, एक सेकंड। हेलो जी, उस्ताद जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे अरे सिंगिंग सीखनी है, कोई बात नहीं। ए अरिजीत, वाटर कूलर निकाल के बाहर रखना। हाँ तो वो म्यूजिक सिखा देंगे। अरे उसमें क्या है, देखिए उदित जी वैसे ही बड़ा रिगार्ड करते, बाकी मैंने तो सिर्फ पॉलिश किया उदित नारायण साहब को, बाकी तो नहीं था। जी जी, हाँ नो प्रॉब्लम, आ जाइए मैं सिखा दूंगा आपको। जी जी जी, हाँ बिल्कुल जी। आप कुछ कह रही थी? उस्ताद जी कहाँ मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? कितना साफ साफ मैंने बोला अभी, मैं उस्ताद जी हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। वो मैंने सुना, लेकिन मैं कंफर्म कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ड्रेस बड़ी अच्छी है, बॉयफ्रेंड ने दी है? नहीं नहीं, ये मैंने खुद ली है। अच्छा। मैं सिंगल हूँ, लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं भी कंफर्म ही कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए। जी जी। आपने किन किन को गाना सिखाया? आप ये पूछो किस किस को नहीं सिखाया। अभी सुबह उदित नारायण साहब, शानुदा इधर थे। उदित जी को मैंने अंतरा दिया, शानू जी को मैंने संतरा दिया सुबह। लेकिन उनको संतरा क्यों? उनका जूस पीने का मन कर रहा था, गाने तो गाते रहते हुए। बाकी अलका जी तो वैसे मेरा नाम लेती है, मैं सिखाया नहीं, पर ऐसे मानती हैं। Oh my God, I'm so excited. मैं पहली बार लाइव उस्ताद जी को देख रही हूँ। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा उस्ताद को कैसे मिला जाता है। नहीं पता होगा उस्ताद को गले मिलते हैं, गले गले मिलते हैं, उस्ताद को हग करते हैं। निकाल दो जान उस्ताद की, गले लग जाओ। गले क्यों मिलते हैं? गले का काम है ना। अब जैसे मेरे पिताजी का घड़ियों का काम था, तो वो हाथ मिलाते थे। अच्छा। मेरे चाचा जी वो तो गद्दे बेचते हैं, वो फिर लेट के मिलते हैं सबसे। हमने तो उनसे मिलना ही छोड़ दिया है। वैसे मुझे देख के क्या लगता है, मैं कब तक संगीत सीख जाऊंगी? आप पे डिपेंड करता है, उस्ताद के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगी। आप सच में उस्ताद जी हैं? हाँ बिल्कुल उस्ताद जी हूँ मैं। आपको संगीत आता है? संगीत आता है, अरे रोज 7 से 9 आता है, कल तो खुला रहेगा, सारे गद्दे बिक गए। इतना संगीत आता है मेरे को, कभी कभी तो 5 मिनट पहले आता है, 2 मिनट बाद फिर आ जाता है ऐसा। ये आप लड़कियों को ये मोहल्ले में बुला के नचा रहे हैं? Excuse me, मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया, मैं यहाँ पर खुद आई हूँ। अच्छा, खुद मोहल्ले में आके नाच रही हैं दूसरों के? तो फिर एक काम कीजिए, आप रख लीजिए लाना। ज्यादा बकवास मत कर चाचा, तेरे ना ये नूडल जैसे बाल खींच लूंगी। ओ, मेरी बच्ची को भूख लगी है। Just shut up, okay? मैं आके मोहल्ले के उस्ताद जी से गाना सीखने आई हूँ। ओह, क्या मतलब? ये कपूर शर्मा है, उस्ताद जी मैं हूँ। उस्ताद जी आप हैं? यस, उस्ताद घर छोड़ दास। घर छोड़ दास, ये कैसा नाम है? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, 2 महीने बाद घर छोड़ना पड़ता है इसको। इससे मुंह मतलब ये फ्रॉड आदमी है। हेलो, खबरदार अगर दोबारा कभी मुझे आदमी कहा तो, फ्रॉड कहा तो। आप कैसी ये बातें कर रहे हैं भाई साहब, हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे। ये नाटक कर रहा है, असली उस्ताद मैं ही हूँ।
उस्ताद मैं हूँ, ये देखिए आप। ये क्या है? ये मेरे सगे भाई की माँ की कसम। ओह गॉड, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि असली उस्ताद है कौन। मैं काम करती हूँ, मैं आप दोनों का टेस्ट लेती हूँ। नहीं नहीं, मेरे से रोज और ब्लड नहीं दिया जाता, मैंने कल ही किया है। मैं ब्लड टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगिंग टेस्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि संगीत में कितने सुर होते हैं? अरे ये क्या, पांच सुर? पांच नहीं होते, सात होते हैं। आपने ये नहीं देखा ना, सात नीचे वाले दो, पांच ऊपर वाले दो, कभी कभी दो ऊपर। देख रही हैं, देख रही, सात सुर होते हैं तो सात ही होते हैं। देख रही हैं, सात सुर होते हैं, सात नहीं होते। हेलो, हाँ बंटी, मैंने जो तुम्हें कल कहा था ना, बारह होते बेटे, बारह महीने होते हैं, सुर साथ ही होते हैं। हाँ। नहीं एक मिनट, ये सच्ची पूछने का क्या मतलब, इतने गुस्से में बोल रहा है, सच बोल रहा होगा ना? Listen, stop it, okay? Be serious. Test के टाइम पे फोन कॉल नॉट अलाउड। सॉरी टीचर। ठीक है, एक लास्ट टेस्ट, हम आप दोनों का सिंगिंग का मुकाबला करेंगे। yeah! जो जीता वही उस्ताद। देखो मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ। जब मैं गाऊंगा तो मैं इसके साथ डांस करूंगा। हाँ। और जब आप गाओगे ये मेरे साथ डांस करेगी। हाँ। ये हुआ बराबरी का मुकाबला। आओ। अरे तुम तो सुर में हो, तुमने मारा ना मेरे कान में, हाँ बजा वो सुर टू करके आया। वेरी गुड वेरी गुड, दोबारा करना। ये आप चीटिंग कर रहे हैं, सबके सामने अच्छा गा के कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। अरे एक सेकंड, इस सब के बीच में ना मुझे मेरा उस्ताद मिल गया। कैसे मिल गया? मुझे पता है, मेरे पापा ने कहा था कि उस्ताद जी किसी भी चीज से धुन निकाल सकते हैं। तो मैंने कहां से निकाली है? हमने भी तो किसी भी चीज में से निकाली है। मैंने बताया आपको, फ्रॉड आदमी है ये। खबरदार मेरे उस्ताद जी के बारे में कुछ कहा तो। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। खबरदार मेरे उस्ताद जी के बारे में कुछ कहा तो। खबरदार की बात क्या कहा? मेरे उस्ताद जी के बारे में। मेरे उस्ताद जी से पहले मेरे मेरे सुन रहे हैं साहब, मेरे ये हुई बात, ये अब मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। शिष्य नाम क्या है तुम्हारा? गजल। मैं गाऊंगा तुम्हें, ठीक है? और इस इंसान से यहाँ बच के रहना। हाँ। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, अपनी बीवी को भूल के बैठा हुआ यहाँ पे। भूल के नहीं बैठा मैं, मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता ठीक से। सच पुअर गाय। पुअर नहीं, पैसे हैं, याद नहीं रहता। हेलो, ये जो तुम्हें ओ करने से याद आता है क्या उसको? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करो एक बार। मेरी बात सुनो, हम साथ में चलते हैं हारमोनियम पे, वहां जाके साथ में आओ आओ करेंगे। ओके, वैसे ये क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप रोमांटिक। अच्छा लगा, मूड खराब करो, चलिए चलिए आप। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, शिष्य मेरी बनी हुई है और ये इनको अच्छे लगे। अर्चना जी, नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है,
मुबारक। और इस सीजन में सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी बीवी को बुला दिया है क्योंकि वो मुझे किसी और से प्यार करने नहीं देती। आपने तो सुना ही होगा कि दुनिया में कितनी है नफरतें, जिंदा रहेंगी मोहब्बत। एक बार मोहब्बत के नाम पर जोरदार तालियां। तो मोहब्बत की तरह में बुलाते हैं आज के हमारे सबसे पहले मेहमान को। प्लीज वेलकम सुपरस्टार मेरे पाजी मिस्टर अक्षय कुमार और साथ में गॉर्जियस रकुल प्रीत सिंह। अक्षय बाजी, रकुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको ढेर सारी मुबारकबाद कठपुतली के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये फिल्म जो है ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है और ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब है। जोरदार तालियां हो जाए। और एक और बात, कल ही अक्षय बाजी का बर्थडे था। थैंक यू बाजी। एक बात बताओ, हर बर्थडे पे आप एक साल छोटे कैसे हो जाते हैं? जैसे आम लोग अपने बर्थडे पे केक काटते हैं, आप सुना एवोकाडो काटते हो? ऐसा है? एक तो इतना बड़ा शब्द बोलता है ये आदमी, एवोकाडो। दो घंटे लगते से सीखने में। वैसे काफी इसकी अंग्रेजी काफी सुधर गई। या जोरदार तालियां इनकी अंग्रेजी के लिए। फॉरेन रिटर्न, आई वाज इन फॉरेन फॉर माय लाइव शोज। इनका वीजा नहीं लगा। मेरा वीजा नहीं लगा, तुम लोगों का नहीं लगा था, इसलिए तुम यूएसए नहीं गए। बिल्कुल। ये आदमी बताऊं इतनी नजर लगाता है सब चीजों पे, है ना? सब चीजों पे। अब देखो मेरी फिल्मों पे, पैसों पे नजर डाल दी, अब फिल्में नहीं चल रही कोई। किसी की फिल्म नहीं चल रही। चल गई सर, कठपुतली चल गई। अच्छा, आपके बयान बदल के, पहले आप कहते थे तू जब जब मेरे से जलता है मेरी फिल्में और हिट होती है, अब आप ये बोल रहे हो कि मैंने नजर लगा दी। बेटा तूने कुछ दूसरा पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, मुझे लगता है कुछ तो करता तू। अरे नहीं पाजी, आई लव यू पाजी, जनता आपसे इतना प्यार करती है, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। थैंक यू। आप जो कपड़े पहनते हो ये इंडिया में कहीं मुझे लगता नहीं मिलते, कहाँ से लेते हो आप ये कपड़े? ये रस्सी की दुकान से लिए। पर बड़े हैंडसम लग रहे भाई, रकुल आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। पिछली बार जब ये आई थी ना जॉन के साथ, तो मेरा फोकस आप पे था। हमेशा ही होता है। उसके बाद ये अजय देवगन साहब के साथ आई, मेरा फोकस तब भी आप पे था। अब आप अक्षय पाजी के साथ आई हैं, इस बार भी मेरा फोकस आप पे रहने वाला है। कपिल, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपका फोकस कभी लड़कियों से नहीं हटेगा, आपका फोकस हटता है तो आपकी बीवी से, बिंदु से। वो उस औरत की गलतफहमी है, आप मुझे सिंगल समझ के ट्रीट करो, मैं भी उसको भूल चुका हूँ, आप भी उसको भूल जाओ। शर्मा जी सुनिए, आप जितना मर्जी भूल जाए लेकिन डोंट वरी, आपके जितने भी मेहमान आएंगे मैं बाहर खड़े होके सबको बताऊंगी कि इस आदमी पे मैंने रुमाल डाल दिया। रुमाल डाल दिया? मैं मेदू बढ़ाऊं? मेरे पे रुमाल रख दिया तूने? यू आर हुक्ड, बुक्ड एंड कुक शर्मा जी, हस्बैंड एंड वाइफ। पाजी, ये औरत सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है कि आपको भी दिखाई दे रही है? कौन सी औरत की बात कर रहे? ये वाली बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। हर शो में मैं देखते आया हूँ, इतना अच्छा परफॉर्म करती है। तेरा का पहाड़ा जो इसने बोला है। बीवी हूँ, तेरों का पहाड़ा नहीं जो आदमी भूल जाएगा। तेरों का नहीं, तेरा का। वापस बोल। सर वैसे मैंने आपका इंस्टा देखा, आप रक्षाबंधन के प्रमोशन के वक्त लड़कियों से राखी बंधवा रहे थे, उन्हें गिफ्ट्स मिठाइयां दे रहे थे, साड़ियां दिलवा रहे थे, तो मैं सोची कि मैं आपको राखी बांधूं। नहीं नहीं, मैं आपको राखी बांधूं? बांधो बांधो। साड़ी चाहिए? आई डोंट माइंड। बिल्कुल ना बनवाना, इनका पूरा परिवार ही ये सब काम करता है, अपने 8 भाई और बाप को साड़ी पहना के अंधेरी स्टेशन पे पकड़ पकड़ के राखियां बांधते लोगों को, इनसे बिल्कुल नहीं बनवाना। अभी उनका बर्थडे है, लोग उनको केक खिला रहे हैं, केक लेके आओ साहब के लिए। तो डन, फिर भाई को केक खिला के फिर बहन पैसे लेगी। मांगने पैसे ही हैं, चाहे राखी कह के। आप सब जानते हैं बेल बॉटम में अक्षय पाजी के ऑपोजिट वाणी थी, सूर्यवंशी में कटरीना कैफ थी, बच्चन पांडे में जैकलीन थी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान में मानुषी थी, अब रकुल प्रीत है। पाजी एक बात बताइए, जब इतनी सारी हीरोइनों में आपका क्रेज है तो रक्षाबंधन की स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर लेके आया था कि ट्विंकल मैम लेके आई थी? प्रोड्यूसर लेके आया था, ट्विंकल मैम नहीं लेके आई थी। अच्छा जी, तो सीरियस क्यों हो गए सर? आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। रकुल, आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं और बहुत सारी फिल्में कर रही हैं। वाओ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बहुत आप देशों में घूमती रहती हैं। मैं नजर नहीं लगा रहा पाजी, मैं खुद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूँ, मैं क्यों किसी को नजर लगाऊंगा। ये पूछना चाह रहा था रकुल, आप देशों विदेशों में शूटिंग करती, सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ पे आया आज तक शूट करने में?
जहाँ पे भी वेदर अच्छा हो। मुझे बहुत ज्यादा ठंडी में शूट करने में मजा नहीं आता, बिकॉज कपड़े नहीं होते ना पूरे। अब ठंडी में हम लोग कौन सा जैकेट और स्वेटर पहन के शूट करते हैं? हम लोग भी सर, हमारा जो गाना था कितनी ठंडी थी। कौन सा गाना? अरे अच्छा वो जो साथिया। मतलब सो आई लाइक प्लेसेस व्हेन इट्स नॉट टू कोल्ड। मुझे ठंड अच्छी लगती है। मुझे भी बड़ी ठंड अच्छी लगती है। पोलिंग हो जाए। हाँ भाई, कितने लोगों को ठंड अच्छी लगती है? हाथ ऊपर। गर्मी देखो बहुत कम, देख ले खुद ही देख ले। सर हम लोग स्पेशल हैं इसलिए कम है। ओके जी, आज से इनको स्पेशल रकुल बुलाएं। तो दोस्तों, हमारे बीच फिल्म कठपुतली से कुछ और भी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम मिस्टर जैकी भगनानी। सरगुन तो मेरी पुरानी सहेली है, इधर लेके सोफे बैठते हैं ना। आजा सरगुन, बैठ जाओ, लेके जाओ हमारे प्यार में दरार डालने वालों, ले जाओ। सोफा है बड़ा, जैकी सोफे, दो सोफे अकेले आदमी को। जैकी बहुत बहुत मुबारक, बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है आपने। थैंक यू सो मच। तो फिर आज फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं कि रकुल के चक्कर में? मतलब यू जस्ट हैड टू से दिस। यार जैकी मेरा भाई है, मैं यार इतना तो मतलब नहीं, मैं देख रहा था स्टार्टिंग में आप थोड़ा फ्लर्ट कर रहे थे। किससे? रकुल से। अक्षय सर से। तो एक सवाल और आपसे जैकी, हमारे सेट के अलावा और आपकी कौन सी फेवरेट डेटिंग डेस्टिनेशन है? और चंद्रचूड़ सर हमारे शो में पहली बार आए हैं सर, हम आपके माचिस के टाइम से फैन हैं। थैंक यू। अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू सर। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जो काम जी आपने फिल्मों में रह के नहीं किया वो आपने ओटीटी पे आके कर लिया। फाइनली आप कपिल शर्मा शो में आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आई वॉन्ट टू से वन थिंग। जी सर। मेरा बेटा आपके शो का बहुत बड़ा फैन है। बड़ी अच्छी चॉइस है सर। उसका नाम है शारंजय सिंह। अच्छा जी। एंड बोथ ऑफ अस वॉच योर शोज वेरी वेरी रेगुलर। थैंक यू सर, थैंक यू, वी लव इट। सर आपको तो हमने जब माचिस में देखा था ना, गुलजार साहब के साथ बड़ी ही बेहतरीन फिल्म और बहुत ही बेहतरीन किरदार सर ने किया था, तो उसी समय गुलजार साहब ने तो बोल दिया होगा आपको कि आप में इतना टैलेंट है, आप एक दिन कपिल शर्मा शो में जरूर जाओगे। यार मैं क्या करूं, मैं सबकी फिल्मों की प्रमोशन करता हूं, हमारी क्यों करते हैं, तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सरगुन मेरी पुरानी पार्टनर, याद है सरगुन, अर्चना मैम हमें नंबर देती थी। आज जाके इसका बैंक बैलेंस देखो, कितनी बड़ी प्रोड्यूसर बन गई। आपको पता है पंजाबी फिल्में धड़ाधड़ प्रोड्यूस कर रही हैं, खुद इतनी बड़ी हीरोइन बन गई हैं। हाँ तो मैं देती थी 10-10-10 ना, उसके बाद इसने 0-0-0 अपने आप लगाने शुरू कर दिए। अभी जब तुम नहीं आई थी ना, मेरे को बोल रही थी मैंने इतने नंबर दिए सरगुन को, एक फिल्म तो मुझे दे ही सकती है। बिल्कुल मत देना। हमने सरगुन के बारे में ऐसा सुना है, जब हम लोग काम करते थे साथ में तब तो ऐसा इसका कुछ था नहीं। क्या? अब मैंने सुना कि जब भी ये कोई काम करने से पहले ना ये टॉस करती है और फिर डिसाइड करती है कि ये काम करना है कि नहीं करना। इज इट ट्रू सरगुन? मैंने जो सीजन हमारा था कॉमेडी सर्कस वाले में, वो मैंने टॉस करके किया था। कसम से, तुम्हें सिक्के पे यकीन था, मुझ पे नहीं था। मुझे एक्चुअली किसी भी चीज पे यकीन नहीं था, मुझे था पता नहीं मैं कॉमेडी कैसे करूंगी। और मैंने वहां पे बड़ी अपनी बेइज्जती भी कराई फ्रैंकली। अब जब मुझे लोग कहते ना हम आपका एपिसोड देख रहे हैं, मुझे लगता है ओह माय गॉड क्या कर रही हूं मैं। नॉट एट ऑल, यू वर सो गुड। पर हम लोग कॉमेडी सर्कस में तो हंसी मजाक करते थे, लेकिन जब मैंने सरगुन को सीरियस काम करते हुए देखा, फिल्मों में देखा, उफ क्या कमाल की एक्ट्रेस सरगुन। सो प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। कठपुतली से पहले टॉस किया था? हाँ। अक्षयबाजी में भी यकीन नहीं मतलब है ऐसा? नहीं, मुझे बाकी लोगों पे यकीन होता है, पर वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, मुझे लगता है कि कभी-कभी मैं बहुत छोटा सोचती हूँ अपने। टॉस पे विश्वास बहुत है। हाँ। सर टॉस करती हूँ और चिट भी निकालती हूँ। टॉस पे विश्वास है? हाँ सर। चलो मैं नहीं, सर आप पैसे लगाओगे, मैं नहीं करूंगी। आप नहीं, मैं तेरे को एक काम बोलूंगा और टॉस करते हैं। मुझे पता है आपको लोगों के चेक काटना है। मुझे पता है। तूने कौन से दिया आज तक? तो सर आप हारे हो, आपने 200 पाउंड हारे हो। सर हारती नहीं, सर दूसरी गेम खेल लेंगे जिसके अंदर वो जीत जाएंगे। तीन जन या तीन जन चार जन वो आपसे हारते हैं। आप मेरे से फ्लाइट में 200 पाउंड हारे थे। कपिल इज नॉट इंटरेस्टेड। तुम लोग लड़ रहे हो, मुझे उठा लेना, खत्म हो गया। अच्छा, कपिल आपसे पैसे कोई नहीं ले रहा। अक्षय पाजी के बारे में मैंने और बात सुनी है कि ये जब अपने को स्टार्स को, जब खुद प्रोड्यूसर होते हैं, जब ये सबको कास्ट कर लेते हैं, पेमेंट भी जो कोई जितनी मांगता दे देते हैं,
बाद में जब इन बिटवीन जब लाइट्स हो रही होती है बैठते ना, फिर ताश खेल के सारे पैसे जीत भी लेते हैं। पर एनीवेज जोक्स अपार्ट, चंद्रचूड़ साहब पहली बार जब आपने ओटीटी पे आपने आर्या सीरीज की वेब सीरीज सुष्मिता सेन जी के साथ, आप दोनों मेरे फेवरेट हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा जी, पर ऐसा लगा कि आपका रोमांस पूरा हो नहीं पाया जी, दूसरे एपिसोड में आपको मार दिया गया। उस समय आपको डाउट नहीं हुआ कि कहीं प्रोड्यूसर ललित मोदी तो नहीं है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आया था? सर द नेशन वांट्स टू नो। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा आपके दिमाग में नहीं आया कि वाव मैं रोमांस करूं? कुछ और बात करते हैं। हाय कैसा बा, ए हाय कैसा बा चरना जी, बस एकदम ठीक बा? हाँ ठीक बा। नमस्कार जैकी भागना जी, नमस्ते चंद्रचूर जी, राकुल प्रीत जी, अक्षय कुमार जी, नमस्ते सरगुन जी, कैसे हैं आप? कपूर शर्मा कैसे करते हो? क्या इतना सारा बड़ा बड़ा लोग घर पे आता है, कमाल का बात है ना, तालियां हो जाए यार, वेरी गुड। ये गुड़िया है पाजी लॉन्ड्री वाली, ये पीछे रहती है हमारे मोहल्ले के, पहले आगे रहती थी, फिर मोहल्ला नहीं दिखता था, फिर हमने पीछे शिफ्ट कर दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है इंट्रोडक्शन, हम आपको बताते हैं, हम गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं है उससे हमारा धंधा नहीं है, बहुत क्लियर है। बात हमको बताइएगा, आप लोग को कपड़ा धुलाना था, इधर आने का क्या जरूरत था? हमको बुला लेते, हम आपके घर पे आके लेके जाते थे कपड़े। चल वो हमारे घर आए, आपने कपड़ा धोना शुरू किया है। भयंकर तरीके से हंसी ने पिछली बार, इसका गुर्दा इसकी सलवार में गिर गया था। रोने लग गई। ये सिर्फ जनरेटर की तरह हंसती नहीं पाजी, 1.5 लीटर पेट्रोल पिला दो इसको, 21 गांव में बिजली सप्लाई कर देती है। नहीं देखिए तो मजाक का बात था, लेकिन सच बात है, आपका फिल्म ओटीटी पे आया है और कमाल का चल रहा है। ओहो अक्षय कुमार जी, यू आर अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर, हम बता रहे हैं ये आपके लिए है, हम जो धंधा करते हैं पूरा का पूरा काफी ऐसा फैला के हमारा कपड़े धोने का काम है, 10% कमीशन जो है आपका बनता है, वो रखिए। इनको क्यों दे रही है? नहीं क्या है, इनका गाने के ऊपर कपड़ा बड़ा अच्छा साफ होता है। हाँ नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, कपड़ा ऐसा हम हाथ में लेते हैं और इनका गाना लगा देते हैं और फिर खुलता है कपड़ा। एक बात पूछना था अक्षय कुमार जी, रणवीर सिंह जी जो हैं फ्रेंड है ना आपके, हमारी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। क्यों? क्या हाँ उनका कपड़ा भी हम ही धोते हैं और एक दिन कपड़ा पहुंचाने में थोड़ा सा लेट हो गए, कोई आके उनका बिना कपड़ा के फोटो ले लिया। गलती हो गया, सॉरी चंद्रचूर जी। हाँ है आप एकदम शुरुआत में आए थे ना, हमने देख के ही कह दिया था कि आदमी इंडस्ट्री में आग लगाएगा, जो आदमी माचिस से शुरुआत किया है आग तो लगाएंगे। लेकिन अमावस में बड़ा प्रॉब्लम होता होगा ना आपको चंद्रचूर जी? क्यों? फिर खाली इनका चूर चूर दिखता होगा, चंद्र तो छिप जाता है। वैसे जैकी जी उधर आके बताते हैं आप। हम लोकेशन पे जाके कपड़ा साफ करते हैं। हाँ कुछ लोग तो बहुत आलसी हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कहते हैं हम उठेंगे नहीं, कपड़ा धो दो। अब उनके सोते सोते हम उनका कपड़ा धो देते हैं। धूल तो जाता है, प्रॉब्लम आता है जब हम निचोड़ते हैं। उनका कुछ चीखने चिल्लाने का आवाज आता है। सरगुन जी बहुत प्यारा लग रही हैं आप। थैंक यू, वेरी क्यूट। जैसे आप सरगुन है ना, हम भी सर्व गुण संपन्न है। वाह वाह, थैंक यू। ऐसा बहुत रिश्ते आते हैं हमारे लिए। अच्छा हाँ, पहले रिश्ता आता है, फिर थोड़ी देर में रिक्शा आता है, और जो रिश्ता लेके आता है वो रिक्शा में बैठ के चला जाता है। मैं पत्थर भर के लाना है इसमें और तेरे मारना है और बैग ही टूटना है, तेरा कुछ नहीं होना। बहुत मेहनत किया ना आपने ये लाइन के लिए। हाँ रिश्ता रिक्शा, रिक्शा रिश्ता, रिश्ता मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत रिश्ते आते हैं। ये क्या है? हमारा फोन है वाइब्रेटर पे। खोदी खोदी साउंड दे रही है। यहाँ पे ना बचता नहीं है टाइम पे, खुद ही करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा फोन, घर से फोन आया है, एक मिनट।
हेलो, ओ हमारे लिए रिश्ता देखने गए हैं। ओ ये सब बातें फोन पे मत बताया कीजिए, हमको बहुत शर्म आता है। इतना जल्दी अपना डिसीजन कैसे बता देंगे, हमको थोड़ा टाइम तो दीजिए सोचने के लिए। हाँ सोच लिया, हमें मंजूर है। जल्दी सोच लिया तूने? अरे सोच के तो हम 15 साल से रखे हैं, जब भी लड़का मिलेगा दबोच लेंगे। लोगों के सामने थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, वरना लोग हमको हल्के में ले लेंगे ना। हल्के में ले सकता है कोई? ये मुहावरा होता है, कहने का बात होता है। अच्छा। लोग ऐसा बोलते हैं कि बात हमको जम गई, तो बात को क्या फ्रिज में रखते हैं जमाने के लिए? अक्षय कुमार जी बड़ा अच्छा लड़का है, ये नफरत की दुनिया में जोड़ने का काम करता है। मतलब वेल्डिंग का काम करता है। अच्छा वेल्डिंग का। अब सोचिए आप, करण जौहर से भी बड़ा चश्मा लगा के जब वो ऐसा वेल्डिंग का मशीन लेके तड़ 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 वेल्डिंग करेगा, इससे चिंगारी निकलेगा, हमारे जीवन में तो रोज दिवाली हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? और अक्षय कुमार की आपको जानकर खुशी होगा, कमाता भी बड़ा अच्छा है, 5,000 रुपया महीना। 5,000 में आजकल क्या होता है महंगाई में? हम पैसे के भूखे नहीं है बाबू, पैसा जो है घड़ी खरीद लेगी आपके लिए, लेकिन समय नहीं। वाह वाह क्या बात है, well said, पैसा आपके लिए बिस्तर खरीद लेगा लेकिन नींद नहीं। वाह वाह वाह, पैसा इंसान खरीद लेगा मोहब्बत नहीं। पैसा ऐसी बातों से तालियां खरीद लेगी, लाफ्टर नहीं। एक मिनट, फोन आया है। ओके वी हर्ड इट। हेलो, क्या लड़का मना कर दी? एक मिनट, लड़का मना क्यों किया है? हमरा एक तो फोटो दिखाइए उनको। फोटो देख के ही मना किया है। लड़का जो बैठा है बगल में, जरा उनसे बात कराइए। हेलो, बाप। क्या हुआ? वेल्डिंग का कुछ काम में रखा नहीं है, चश्मा पहन के दिखाई तो देता नहीं है इन लोगों को, ये कोई काम है? अभी तो बोल रही थी नफरत भरी जिंदगी में जोड़ने का काम करता है। तो ऊपर वाले ने जो तोड़ दिया है, जोड़ने वाला वो कौन होता है? वो क्यों जोड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी टैलेंट क्या है आप बताइए, मशीन से वेल्डिंग करता है, हैं? किसी दिन बिजली चला गया वेल्डिंग कर पाएगा? उंगली से तड़ 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 करके चलेगा उसका? नहीं चलेगा। और 5,000 रुपए में आजकल होता क्या है? नहीं होगा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रकुल जी, आपकी नजर में कोई लड़का हो, मतलब ऐसा कोई लड़का हो जो जिसको आपके पीछे भागना नहीं, तो हमें बताइए। ठीक है, हम समझ गए, इशारा काफी है हमारे लिए। ठीक है चलिए अभी हम चलते हैं। हाँ, फोन करके इसकी बात करा दे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी जरा कुमार सानू जी के जाके घर पे भी हमको कपड़ा देना है, कहीं ऐसा ना हो वहाँ पे भी हम लेट हो गए, उनका कोई फोटो शूट कर दे, तो हम चलते हैं। बाय। ओके बाय। अरे कपड़े छोड़ गई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए सोशल मीडिया पे हम सबकी तस्वीरों पे तरह तरह के कमेंट्स लोग जो है वो करते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें ही चुनते हैं जो फनी होते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मोहब्बत को चुना है। हाय हाय। तो देखते हैं हमारी क्रिएटिव जनता जो है वो हमारे स्टार्स की तस्वीरों के नीचे क्या क्या लिखती है, दिखाया जाए जरा। अक्षय पाजी की ये पिक्चर है रक्षाबंधन। स्टारी टेंट्रम्स, व्हाट स्टारी टेंट्रम्स, यहाँ खुद ही फैन बनना पड़ता है। जोक्स असाइड, दिस इज एन एप्रिसिएशन पोस्ट फॉर माय फ्रेंड एंड को-स्टार भूमि टू एग्री टू डू अ फिल्म व्हिच इज टाइटल्ड रक्षाबंधन एंड फीचर्स 4 सिस्टर्स। इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हर सिक्योरिटी एज एन एक्टर। आई जस्ट वांटेड टू कन्वे द ऑडियंस दैट आई नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू रीड इंग्लिश। ओके, कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे क्या है। हर बार फैन स्टार्स को पकड़ते हैं, इस बार स्टार ने फैन को पकड़ा हुआ है। शादी में गर्म फूफा को ठंडे करते हुए। और दिखाइए, बंदा जब अपनी एक्स की शादी में जाता है तो ऐसे ही दुखी दिखता है जब ऊपर दोस्तों की दारू पार्टी चल रही हो और बंदा बीवी की निगरानी में हो। आगे बढ़ते हैं।
रकुल ने फोटो डाला, सो मच फन। वाओ, कहाँ की फोटो है रकुल? ये हमारी फिल्म कठपुतली की है, कठपुतली की है। ओके ओके, मसूरी। वाओ, दिखाइए नीचे कमेंट्स। दया, कुछ तो गड़बड़ है, नीचे किसी और के पैरों के निशान भी हैं। जरूर साथ में कोई और भी है, एसीपी प्रद्युम्न। लड़कियां हर जगह फैशन, वाह फैशन मेंटेन कर लेती हैं। इनकी जगह कोई लड़का होता तो कंबल के साथ बंदर टोपा पहन के बैठा होता है। आप यहाँ अगर स्नोमैन बनाओ तो उसका नाम बर्फप्रीत सिंह रखना। और दिखाइए, एक्टिंग वर्कशॉप आ रहा सर जी। अभी तो आप रोमांस की बात बदल लो, इधर बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। खुशी से चंद्र चूर चूर होते हैं। सोचते हुए भले ही देर से आई दुरुस्त आई। मिस यूनिवर्स अगर कोहनी गड़ाकर बैठे तो भी आदमी खुशी रहता है। और दिखाइए। ओहो वाह वाह, क्या बात है जैकी। नाइस। स्ट्रेच योर माइंड एंड फ्लाई, वेरी नाइस ब्रो। यार ये जुराब आपकी आगे आई हुई कि पैर आपके सच्ची लंबे हैं। वाह यार, इतना क्या बात है। दिखाइए कमेंट्स। आप तो पैर से डोरबेल भी बजा सकते हैं। जैकी भी लाइक, अबे पैंट की सिलाई चेक कर रहा है या मेरी। और दिखाइए। सरगुन, गेस द कॉन्वर्सेशन। अब करेंगे लोग गेस। नीचे दिखाइए। सरगुन धमकी दे रही है, उतनी ही पीना कि दूसरी लड़की अपनी बीवी ना लगे। बेबी हम गलत पार्टी में घुस गए, यहाँ तो हमें कोई देख ही नहीं रहा। ज्यादा मत पियो, गाड़ी तुम्हें ड्राइव करनी है, ड्राइवर छुट्टी पे है। और दिखाइए। Oh good God. Just when you thought your look had become so cool. दिखाइए कमेंट्स। बैंजो बडी, सावधान, ये वही लड़कियां हैं जो हाईवे पे हाथ दिखा के लूट लेती हैं। नाइस वन। फेसबुक वाली एंजल प्रिया असल में ऐसी ही दिखती है। लाल और भूरे बालों वाली लड़कियां हमेशा अंग्रेज नहीं होती। नीचे लिखा किसने, कभी कभी तो वो लड़की भी नहीं होती। और दिखाइए। रेडी टू ब्रिंग ऑन द न्यू ईयर। ये मेरे ऐसे क्यों आ रहे? आपने खुद ही डाली है पिक्चर वाले। इनके निक्कर में इतने सारे एक्स हैं, ये आपका है या एक्स का है? किसी लिखा पेट खराब हो तो बंदा कोट के नीचे भी बॉक्सर ही पहनता है। प्रोड्यूसर इसी तरह निक्कर पहन के ही एक्टर साइन करने जाता है ताकि वो ज्यादा पैसे ना मांगे। और एक्टर कहीं अक्षय पाजी हो तो वो निक्कर भी उतरवा लेते हैं। बहुत खत्म हो गया। कठपुतली की पूरी टीम आई हुई है। नया सीजन, नया माहौल, नई फिल्म, जोरदार तालियां। अच्छे बाजी, मैंने ना इडलियों का नया स्टार्टअप शुरू किया है। ही इज द ऑनर एंड शी इज माई शॉप। चीज क्या होता है, साइकिल बोलना सीधा? हाँ तो साइकिल है, इसलिए शी बोला है ना, स्कूटर होता तब ही बोलता। बाजी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। धोती खुली पहन लेता थोड़ी। पहन के उनकी तरह चल रहा है। विजिटिंग कार्ड तो वैसे दे रहा है जैसे बड़ी फिक्स दुकान है तेरी, हर आधे घंटे में तेरी दुकान बदल के दूसरे चौक पे खड़ी होती है। वो अच्छी तरह से विजिटिंग कार्ड पर पीछे टाइमिंग भी लिखी है। क्या लिखा है? एक से दो मैं तोता चौक में होता हूँ, दो से चार मैं बैक रोड पे होता हूँ,
और 4 बजे से लेकर 4:10 तक मैं जूहू सर्कल पे होता हूँ। जूहू पे सिर्फ 10 मिनट क्यों? हाँ, उधर खड़ा नहीं ना होने देते, पुलिस भगा देती है। अगर ना भागो तो डंडे मारकर आपकी इडलियां सुझा देती है। खैर अक्षय भाजी, आपकी फिल्म आ गई है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। भाजी इसको भी बधाई दो, इसकी शादी हो गई है। नहीं, शादी हो गई पर बधाई वाली उसमें कोई बात नहीं पाजी। क्यों है, इतनी अच्छी तो शादी हुई तेरी, इतनी अच्छी बीवी है तेरी। बीवी अच्छी है ना, दोस्त तो पाजी मेरा बहुत बुरा है, इसने मेरी जबरदस्ती शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जिंदगी तेरी पहले ही बर्बाद थी, शादी का तू बहाना मत लगा रहा। पाजी ये ना बीमार हो गया था हॉस्पिटल में, तो खून चढ़ाना पड़ा इसको 4 बोतलें, पैसा इसके पास था नहीं, और नर्स को ये पसंद आ गया, तो मैंने कहा ऐसा पैसे नहीं है, बाटर सिस्टम कर लेते हैं, तुम लोग पैसे माफ कर दो, हम तेरी शादी करा देते हैं। इतनी सी बात हुई, नहीं तो वो खून निकालने वाले थे वापस इसका। तो खून चढ़वाना था ना, घोड़ी को चढ़वाया तुमने। घोड़ी चढ़ाया भी इजी नहीं है पाजी, जब घोड़ी को पता चला ना ये चढ़ने वाला है, घोड़ी ने मना कर दिया। लोकल MLA था, हमने उसको फोन करवाया घोड़ी को, तो घोड़ी कहती है अच्छा आ जाओ चढ़ जाओ। शुक्र मना तेरी शादी हो गई, देख अच्छे अच्छे कपड़े तेरे को पहनने को मिल रहे हैं। पहले मैं नंगा घूमता था। कितनी अच्छी लुंगी दी तेरी बीवी ने तेरे को पहनने के लिए। तुम्हें कोई लुंगी पहनाकर साइकिल पर इडलियां बेचने को है ना, तब तुम्हें पता चले कैसे इडली बिकती है। हाँ, ये 4 इडलियां नहीं बिकती, 10 बार धोती चेन में आ जाती है। कटे पुतली लग रही हो ना। मेरे नाम है पुष्पा और ये मेरे पति झंडू। झंडू ने झंडू इतना गुस्सा क्यों करती जानू? बीपी से हाई होगा, सांस लो, रिलैक्स करो, रिलैक्स। देखो हम कोने में जाके बात करते, मैं तुम्हारा मूड बनाती। कितना गुस्सा करता है आदमी, रिलैक्स। देख कितनी प्यारी बीवी मिलेगी तेरे को, कितना ख्याल रखती तेरा। प्यारी है तो तुम रख लो फिर। यानी इधर मेहमान आए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, चाय नहीं पूछ रहे तुम्हें? बाहर भी मैं चाय पूछूं, इधर भी चाय मैं ही पूछूं। क्या बोले? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब आज सैटरडे है, चाय नहीं रखता, मैंने कॉफी रखी हुई है। बीवी के सामने पलट रहा है, अभी बोल रहा था मेरे को खाने को कुछ नहीं देती, ऐसे बोल रहा था आपके बारे में। मेरे बारे में ऐसे बोला? हाँ। क्या बोले? मैं खाने नहीं देती तुमको, कितने प्यार से इडली खिलाई, मैं सब भूल जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, 24 घंटे पाजी ये इडलियां खिलाती रहती है। मैं पराठे खा के पला बड़ा, ये इडलियों में खेली कूदी। हमारा सच में कॉम्बिनेशन ही नहीं मैच हो रहा। इतना झूठ बोलते है आज भी। परसों आपको पराठे नहीं खिलाए मैं? पराठे जो खिलाए वो भी बताओ ना, क्या खिलाया तुमने? पाजी मेंदू बड़ा बना बना के इसको इतनी आदत हो गई, कल मैंने कहा पराठा बना दे, आलू का पराठा बनाया, बीच में इतना होल कर दिया इसने। अरे तुम गुस्सा क्यों करते, इसे सांस लियो जोर जोर से, बीपी हाई हो जाएंगे। तुम बैठो इधर, मैं ही नारियल का है ना ये ऑयल लेके आते, मस्त मसाज करते रहे। खबरदार अगर नारियल का नाम लिया तो। अर्चना जी इसको सिर्फ 2 ही चीजों का पता, जा इडली का जा नारियल का। हमारे घर में पाजी गेस्ट आते हैं, हम किचन में जाते हैं, इनके घर में गेस्ट आते हैं, फटाफट नारियल पेड़ पे चढ़ जाते हैं। नारियल पार्टी बुलाएंगे, मेरे को तो इतना नारियल खिलाया, इतना नारियल खिलाया, मेरी कमर पे मलाई आने लगी है। ये रो रही के स्टार्ट हो रही है। अक्षय अन्ना अभी को मैंने कैसे कैसे बात कर दी। मेरे को इतने बड़े बड़े डॉक्टर वाले का ना रिश्ता आया था मेरे हॉस्पिटल में, और मैं ये चूसा वो मरीज के लिए गई और ऐसे बात करते। पाजी ये हॉस्पिटल में नर्स है, लोग शादी के बाद डोली का मुंह देखते हैं, मैंने स्ट्रेचर का मुंह देखा था। इनके घर में अभी डबल बेड नहीं है, 2 स्ट्रेचर जोड़कर ऊपर गद्दा बिछाया हुआ है। जब भी मैं रात को इसके पास जाता हूँ, इसका स्ट्रेचर उधर चला जाता, मेरा इधर चला जाता। 1.5 साल से हमारी सुहागरात ही नहीं हुई। बस जाओ के पत्थर खा के जाओगे तुम लोग। जाके पैर छू अक्षय जी के, हैं? और 25,000 ले ले जा। इस बात के 25,000 रुपए भी कम है क्या? 50,000 ले ले जा। अक्षय जी 50,000 दे दीजिए, और जैकी जी आप 25 दे दीजिए। चंद्रचूड़ जी जितनी
इच्छा हो आपको बच्चा समझकर अपना दे दीजिए। एक मिनट, इनका कहेगा एक खराब माल पे बड़ी कंपनी का स्टिकर लगा के बेचते, शर्म नहीं आती तुम्हें? पूरा खानदानी मांगने वाले को भाजी आगे केक लेके ये। दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।